वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बताएंगे डायपर रैश क्या है, डायपर रैश क्यों होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर किसी को डायपर रैश हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। वैसे तो हम आपको डायपर रैश में इस्तेमाल होने वाली कुछ क्रीम का नाम बताकर ये वीडियो ख़त्म कर सकते हैं, परंतु ये क्रीम केवल ट्रीटमेंट है। आप कुछ सावधानियां प्रयोग करके डायपर रैश से बच सकते हैं, नहीं तो बार बार रैश होंगे और आप क्रीम लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। जैसा नाम से ही पता चलता है, डायपर रैश डायपर पहनने वालों में होने वाली एक स्किन की बीमारी है। ये आमतौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों, जिन्हें इन्फेंट कहा जाता है, उनमें मिलती है। 9 से 12 महीने के एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा देखी गई है। इसका कारण इस एज ग्रुप में बदलती हुई डाइट्री हैबिट भी हो सकता है। वैसे डायपर रैश किसी भी उम्र में और किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जहां डायपर से संबंधित सावधानियां प्रयोग ना की गई हों। डायपर रैश में जो एरिया डायपर से कवर्ड होता है वहाँ की स्किन रेड हो जाती है। इस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है और बार बार इचिंग भी होती है। ये एक तरह की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। सीवियर केसेस में आसपास का एरिया भी अफेक्टेड हो सकता है और बच्चा इरिटेबल हो जाता है। इससे इसकी फीडिंग भी कम हो सकती है। डायपर रैश का सबसे बड़ा कारण है वेट स्किन या गीली त्वचा। डायपर को कम बदलने या अच्छी क्वालिटी का डायपर ना होने पर स्किन गीली रहती है। गीली स्किन सॉफ्ट होती है और इरिटेंट सब्सटेंस उसको आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं। वेट स्किन में इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्टूल और यूरिन भी इस गीली स्किन के कॉन्टैक्ट में देर तक रहते हैं, जो डायपर रैश को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग घर के बने डायपर यूज़ करते हैं। अगर ये डायपर सही से ना धोए जाएं, तो इनमें डिटर्जेंट के कुछ पार्टिकल रह जाते हैं जो कि स्किन को इरिटेट करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को डायरिया हो गया हो तो डायपर रैश ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि स्किन बार बार गीली होती है और स्टूल के कॉन्टैक्ट में आती है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक भी डायपर रैश को बढ़ा सकती हैं। ये देखा गया है कि डायपर रैश ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों को, जो कि मदर मिल्क पर होते हैं, उनमें कम होता है। इसका कारण है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चों के स्टूल यानी पॉटी का पीएच ज़्यादा एसिडिक होता है। जब डायपर रैश होते हैं तो वहाँ की स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उसमें 48 से 72 घंटे बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि आप डायपर रैश को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है कि स्किन को साफ और सूखी रखें, क्योंकि मॉइस्चर ही डायपर रैश के शुरू होने का मेन रीज़न होता है। स्किन को ड्राई रखने के लिए आप डायपर को फ्रिक्वेंटली चेंज करें और सुपर एब्जॉर्ब डायपर यूज़ करें। सुपर एब्जॉर्ब डायपर का मतलब है कि वो डायपर ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा डायपर थोड़ा लूज़ होना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा बड़े साइज़ का डायपर ले सकते हैं। डायपर बदलने के बीच में डायपर एरिया को हवा से सूखने दें। अगर बच्चे को डायपर रैश हो गए हैं तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ी सी सावधानियों से आप इन्हें आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं। डायपर एरिया को ल्यूक वार्म वाटर से साफ करें और थोड़े समय के लिए हवा में सूखने दें। अगर आप वाइप्स यूज़ करते हैं तो फ्रेग्रेंस यानी स्मेल वाली वाइप्स अवॉइड करें, क्योंकि इसमें प्रेजेंट केमिकल्स डर्मेटाइटिस यानी रैश को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इरिटेंट होते हैं। एरिया को पैड ड्राई करना अच्छा होता है, मतलब कपड़े को रगड़ना नहीं है, बस एरिया को
हल्के हाथ से सुखाना है। कई बार कुछ डायपर आपके बच्चे की स्किन को सूट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। इसके लिए आप अपने डायपर के ब्रांड को चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा आप जब भी डायपर बदलते हैं तो एरिया को सुखाकर डायपर रैश क्रीम लगा दें। ये स्किन को जल्दी हील करती है और मॉइस्चर भी रिटेन रखती है। डायपर रैश होने पर जिंक ऑक्साइड वाली ऑइंटमेंट या क्रीम का यूज़ करना चाहिए। जिंक ऑक्साइड एक एंटीसेप्टिक होता है और ये डायपर रैश की हीलिंग में भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर डायपर रैश में कैंडिड या फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको क्लोट्राइमाजोल वाली कैंडिड क्रीम लगानी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डायपर रैश होने पर कॉर्न स्टार्च बेबी पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कैंडिड इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको कॉर्न स्टार्च बेबी पाउडर के बारे में नहीं पता है तो मैंने बेबी पाउडर पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये कैंडिड क्रीम है जिसमें क्लोट्राइमाजोल पाया जाता है। ये कैंडिड इन्फेक्शन में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी अच्छी डायपर रैश क्रीम अवेलेबल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप डायपर का यूज़ सही तरह से करते हैं तो आप डायपर रैश से बच सकते हैं, नहीं तो आपके बच्चे को बार बार डायपर रैश की परेशानी हो सकती है। कम फ़ायदा होने पर या किसी भी तरह की परेशानी बढ़ने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट्स आपको सही टाइम पे मिल सकें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।